ये पिछले तीन दिन से या आज चौथा दिन है, यहाँ आध्यात्म विज्ञान के ऊपर, जगत के सनातन सत्य के ऊपर, कुदरती कानून के ऊपर जो कुछ बात यहाँ बताई गई है, और आप सबको ये सब बातें धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है, और मैं समझता हूँ कि ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो भी बात आप सुनोगे, समझोगे, उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, ये सब बातें कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, कोई धर्म संप्रदाय व्यक्ति या संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। और ये विश्व के अंदर जो भी महान पुरुष हो गए हैं, जिसको हम समर्थ पुरुष के रूप में पहचानते हैं, भगवान के रूप में पहचानते हैं, वो सभी महान पुरुष महान तब बने जब इन्होंने दुनिया का सनातन सत्य को समझ लिया। फिर किसी के प्रति राग द्वेष करने की जरूरत, फिर कोई भी प्रकार की भीख और भय नहीं रहेगा, फिर मेरा तेरा नहीं रहेगा। जब सनातन सत्य को समझ लिया तो कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, और इसलिए जो सदियों से चला आया है, ये कोई विज्ञान या अध्यात्म विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है, वो तो सदियों से चला आया है। और समय समय पे ऐसे अनुभवी महान पुरुषों जनता के सामने यही सनातन सत्य का, यही कुदरत के कानून का, यही लॉ ऑफ नेचर का अपने अनुभव से लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी राग द्वेष और अज्ञानता से मुक्त होके, कर्मों के बंधन से मुक्त होके, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके, अपना स्वाभाविक और शाश्वत सुख का अनुभव कर सके, यही भावना होती है। यहां न गुरु है न शिष्य है, न संप्रदाय है न पंथ है, आप समझे। और जितने भी महान पुरुष हो गए, उन्होंने कभी न कोई धर्म और संप्रदाय या संस्था की स्थापना किया है, क्योंकि उन्होंने जो बात कहा था वो सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए था, और इसीलिए उन्होंने कोई सांप्रदायिक बात कही ही नहीं थी। मगर उनके जाने के बाद उनकी परंपरा में जो लोग धर्म की परंपरा में आए, वो लोगों ने, वो धर्म गुरुओं ने वो महान पुरुष की बात एक धार्मिक और सांप्रदायिक सत्य के एंगल से पेश कर दिया, और बाद में जो सनातन सत्य बात थी वो अपने आप सांप्रदायिक सत्य बन गए। और इसीलिए दुनिया के कई लोग इसको समझना चाहते हैं फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ही आपने सांप्रदायिक मोड़ बना दिया। क्या बना दिया? तो फिर लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो उनके संप्रदाय की बात है, ये हमारी बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो परंपरा का विज्ञान है, शाश्वत विज्ञान है, वही विज्ञान को मैं रीओपन कर रहा हूं। ये कोई नया विज्ञान या मेरा खुद का विज्ञान नहीं है। तो मैं समझता हूं ये विज्ञान सुन के, समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके आप भी यही महान पुरुष की जो ऊंचाई थी अनुभव की, वो ऊंचाई पे आप भी पहुंचे, और आपके ही माध्यम से
आपके अनुभव से दूसरों को ये बांटे ताकि वो भी यही दुनिया की सनातन सत्य को वो समझ सके, अनुभव कर सके और अपने अंदर अज्ञानता मिटा के राग द्वेष खत्म करके कर्म के बंधन को खत्म करके अपना स्वाभाविक और शाश्वत सुख का वो भी अनुभव कर सके। बस यही मंगल कामना से हम अपना जीवन जी रहे हैं। और धीरे धीरे लोग कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का मार्ग धीरे मगर मक्कमता से होता है तो वो लंबे समय तक, मगर कोई व्यक्ति चमत्कार से लाखों लोगों को इकट्ठा करेगा तो हो सकता है मगर वो लंबा समय, क्योंकि वो तो आकर्षण हो गया, क्या हो गया, वो लंबा नहीं चलेगा। मगर जो धीरे और मक्कम गति से आगे बढ़ते हैं और दुनिया को सनातन सत्य शाश्वत सत्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने वाले विचारक लोग थिंकर लोग धीरे धीरे यही विज्ञान के सिद्धांतों को ग्रहण करके समझने की कोशिश करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं और जब इसको अनुभव हो जाता है तो अपने आप वो आनंदित हो जाते हैं। इसको और किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति को जब अनुभव हो जाता है तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको अनुभव उनके ज्ञान दर्शन से हुआ है, किसी के सर्टिफिकेट से नहीं हुआ है। तो कोई सर्टिफिकेट दे या ना दे इनको कोई वैल्यू नहीं होती है। मगर जो व्यक्ति किसी के देने के बाद वो बात करेंगे तो वो उनका खुद का अनुभव, तो इसीलिए कोई कहेगा कि अच्छा है तो उनको अच्छा लगेगा, कोई कहता है बराबर नहीं तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनका जीवन दूसरे के सर्टिफिकेट के ऊपर आधारित है, खुद के अनुभव के ऊपर आधारित। रामकृष्ण माही को आप कहोगे आप अज्ञानी हो तो इसको क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा, उनको आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझना है तो समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो नहीं समझो, इसमें इनको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यही अनुभवी पुरुषों की विशेषता होती है। और इसलिए जब खुद के अनुभव की बात करें कि इसमें पावर भी ऐसा होता है, पावर समझते हैं, इनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कहीं समय तक कहीं दिनों तक उनकी आवाज उनकी बातें उनके शब्द हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, क्या होता है घूमते रहते हैं, यही पावर है। इसको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान का पावर ही ऐसा है। जो लोग सुनते हैं समझते हैं उपयोग करते हैं अनुभव करते हैं वो खुद ही स्वयं बोलते हैं। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते हैं लोगों का क्या क्या ख्याल होता है, अनुभव होने के बाद वो खुद लिखते हैं कि मेरे को स्वामी जी ऐसा अनुभव हुआ ऐसा अनुभव हुआ। हम तो किसी को कहते नहीं है, हम तो सिर्फ विज्ञान बताते हैं, मगर वो स्वयं अपना अनुभव बताते हैं, आप समझे। तो ये हम भी ये चाहते हैं कि आप सब भी इसी प्रकार के अनुभव के मार्ग में बहुत आगे बढ़े और आपके ही माध्यम से और लोग भी ये विज्ञान जाने और अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े, और यही मेरी ख्वाहिश है। स्वामी जी ये जो प्रेयर आप कराते हैं ना निज स्वभाव से सदगुरु, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये निज स्वभाव से सदगुरु का मतलब होता है ये मेरा जो निज स्वरूप है वो ही मेरा गुरु है। सदगुरु क्या है, मतलब अंतिम गुरु वही है, उनकी हाजिरी के बिना उनके प्रकाश के बिना मैं कुछ भी करने के लिए शक्तिमान नहीं। तो निज स्वभाव से सदगुरु, सदगुरु कहाँ है, अपने अंदर जो मूल रूप है
मूल स्वरूप है वो ही सदगुरु है। नीच स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। वो कैसा है? अगुरु लघु, वो गुरु भी नहीं है लघु भी नहीं है, अगुरु लघु सर्वज्ञ है। कैसा है? वो गुरु भी नहीं है लघु भी नहीं है और इसीलिए सर्वज्ञ है। गुरु लघु दोनों मान्यता है। मैं छोटा हूं वो भी अज्ञान है, मैं बड़ा हूं वो भी, दोनों अज्ञान है। मैं खुद ही शाश्वत हूं, मैं ही चैतन्य घर हूं और मेरे पास हर प्रकार की शाश्वत शक्तियां हैं। बस कि मेरे को मैं ऊंचा हूं नीचा हूं वो दिखाने के बताने की जरूरत नहीं है। तो नीच स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंदे है। जो सूक्ष्मतम स्वरूप है आत्मा का स्वरूप कहता है, सूक्ष्मात ही सूक्ष्म है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु यानी वही मेरा आत्म स्वरूप एक दिन सिद्ध क्षेत्र का शाश्वत स्वरूप बन के परम गुरु, परम समझते हैं जो लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाला बनेगा, स्वयं प्रेरणा। वो खुद प्रेरणा देते नहीं है मगर वो एग्जाम्पल समझते हैं कि हमको सिद्ध क्षेत्र में जाना है। तो सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु फिर आगे आता है इसके अंदर कि ये अलग अलग प्रकार की भावना है। क्या है? तो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को नमस्कार करके हम ये प्रार्थना करते हैं कि भी ये विश्व का कल्याण होने में हम निमित्त बने। क्या बने? 33 कोटि देवी देवता आप यहाँ आइए और पधारिए और जगत कल्याण के कार्य में उत्तम निमित्त बनिए, हम निमित्त बने, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप समझे ना? 33 कोटि देवी देवता तो जगत कल्याण के यज्ञ में तो मंगलमय दो आशीषम, हमको मंगलमय आशीष दो जगत कल्याण के यज्ञ में। बस यही हमारी भावना है। क्या है? फिर उसके आगे आता है कि भी जो मेरी गलती हो गई है उसके लिए मेरे को माफी दो। क्या दियो? मेरा मूल स्वरूप तो सिद्ध स्वरूप है मगर जो प्राकृतिक स्वरूप है इसमें गलती हो सकती है, तो जो जो गलतियां हो गई उसके लिए मैं क्षमा करो, मेरे को क्षमा करो। और व्यवहार में सद्बुद्धि हो, व्यवहार के अंदर सद्बुद्धि मतलब कुबुद्धि ना हो, किसी के पास से पढ़ा लूं बुद्धि से मैं किसी को चीटिंग करूं, अपनी ज्यादा बुद्धि से कम बुद्धि वाले को उल्लू बना दूं, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसीलिए कहा कि अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार हम कैसे भी करके आत्म कल्याण के मार्ग के अंदर आगे बढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे इनको ऊपर बिठा दो चेयर हमारे तो ये इतना पवित्र भजन भावनात्मक भजन कविराज के मुखारविंद से और उनकी कलम से निकला हुआ है। तो ये पूरे भजन के अंदर कोई भी व्यक्ति धर्म संप्रदाय गुरु या भगवान का नाम नहीं और इसीलिए मेरे को पसंद है। मैं कहीं भी जाके इसको बोल सकता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये कविराज के मुखारविंद से निकला हुआ है, लिखा हुआ है और मैं ज्यादातर मैक्सिमम सत्संग में इसको बोलने की कोशिश करता हूँ। तो लोगों को भी भावना को व्यक्त करने का अधिकार मिले, मौका मिले। तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर ये भावना हमारे जीवन में चलती रहे, बनती रहे और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और
जगत कल्याण के यज्ञ में हम भी हमारा जीवन तन मन धन का जो भी योगदान दे सकते हैं वो दे, बस यही भावना है। क्या है? यही भावना है। कुदरत कहती है कि आपके जीवन में आपने जो कुछ भी पाया है, तन पाया है, धन पाया है, संबंध सत्ता सप्तमी जो पाया है, वो सब कुछ एक दिन तो छोड़ना है, वो सबके लिए कंपलसरी है। क्या है? तो क्यों ना हम अपनी भावनाओं के मुताबिक इसका उपयोग करने का प्रयास क्यों न करें? आप समझ रहे? बस यही बात इसके अंदर बताई जाएगी। और कोई प्रश्न करना? स्वामी जी, एक कर्ता होना, करवाने वाला होना और भोक्ता होना। कर्ता होना, करने वाला कौन है और भोगने वाला कौन है? करने वाला है वो प्रतिष्ठित आत्मा है जो प्रतिष्ठा करता रहता है, कर्मों की प्रतिष्ठा, और भुगतान करने वाले ये मन वचन का आया है। क्या बताया? करने वाला अंदर है और भुगतान करने वाले बाहर है। जो करने वाला है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो करने वाला नहीं है, वो भुगतान करता है। क्या करता है? आप समझे? और इसीलिए माया जाल को जब नहीं समझ में आता है तो आदमी एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। क्या करते हैं? कुदरत कहते किसी का मन वचन काया इस अवतार में जो कुछ भी कर्मों की भुगतान करते हैं, इनके लिए इनके मन वचन काया आज जिम्मेदार नहीं है। क्या बताया? क्योंकि वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है, तो साधन की तो जिम्मेदारी नहीं होती है। मगर साधन जो है वो क्यों बना? तो वो कारण स्वरूप जब था तब वो जिम्मेदार था। आप समझे कि नहीं? तो जो भाव किया था प्रतिष्ठित आत्मा ने पिछले अवतार को, अंदर जो कोई बाहर देख सकते हैं, वो कारण जवाबदार है। तो प्रतिष्ठित आत्मा सर्जन करना है। क्या है? कर्मों का सर्जन करता है, और ये मन वचन काया है वो कर्मों की भुगतान का साधन है। दोनों क्या है? अलग है। कर्म बांधने वाला दिखता नहीं है, मगर कर्मों की भुगतान करने वाला दिखता है। तो दिखता है वो बांधता नहीं है, और बांधता है वो दिखता नहीं है, और इसीलिए गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? आम लोगों को समझने में तकलीफ हो गई, दिक्कत हो गई। समझ में आया? और कुछ पूछना है? ओके। आज भी ठाकुर पूज्य स्वामी जी, प्रश्न नंबर एक, सगुण साकार और निर्गुण निराकार में भेद या अंतर क्या है? सगुण साकार, सगुण तो साकार, और निर्गुण निराकार में भेद या अंतर क्या है? सगुण साकार ये इसको कहते हैं। क्या बताया? सगुण और साकार, स आकार, समझ में आया? और सगुण साकार ये शरीर है, इसीलिए हम महान पुरुषों की जो क्वालिटी है इसको नमन करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी हमको दिखती है। सगुण है और साकार यानी दिखने में आता है। क्या बताया? वो सगुण साकार है, और जो आत्मा है निर्गुण निराकार है, निर्गुण भी है और निराकार है। तो मतलब क्या आत्मा में कोई गुण नहीं है? नहीं,
प्रकृति का गुण आत्मा में नहीं है, तो प्रकृति के गुण से आत्मा निर्गुण है और निराकार है, और आत्मा के स्वाभाविक गुण से वो कैसा है, शाश्वत है और निराकार है, मगर उनके गुण जो है वो दिखते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे ये लाइट, ये प्रकाश हो रहा है कमरे के अंदर, और ये कमरे के अंदर हजारों चीज पड़ी है, और कोई व्यक्ति को कोई चीज चाहिए हजारों में से एक, तो हम इसको देख के इसको दे सकते हैं, तो देने वाला क्या कहेगा कि आपने मेरे को ये चीज वहां से मेरे को दिया है। मगर प्रकाश नहीं है तो क्या हम चीज को देख सकते हैं? मगर दुनिया क्रिया का इंपोर्टेंस करेंगी, प्रकाश का नहीं करेंगी। आप समझे कि नहीं? प्रकृति की कितनी भी क्वालिटी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, जो भी है, आप समझे ना, सत्य अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, बहुत सारी क्वालिटी अच्छी की प्रकृति की है, मगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मगर हम आत्मा की वैल्यू इनकी करेंगे, उनकी प्रकृति बहुत अच्छी है, इनकी प्रकृति बहुत खराब है, मगर आत्मा नहीं है तो अच्छी भी कहां से होगी? समझ में आया कि नहीं? तो प्रकृति के गुण से आत्मा निर्गुण है, और अपना स्वाभाविक गुण से क्या है, सगुण है, मगर वो गुण बाहर दिखते क्योंकि उनके गुण स्वाभाविक रूप है, क्रिया के रूप में नहीं है, और प्रकृति के हर गुण क्रिया के रूप में है, इसीलिए वो दिखते हैं, इसीलिए सब गुण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और आत्मा प्रकृति के गुण से निर्गुण है, और अपने स्वाभाविक गुण से शाश्वत गुण से वो भरा हुआ है, मगर वो गुण बाहर दिखता है। दोनों के गुण को बता दीजिए ना स्वामी जी, जैसे प्रकृति का गुण भी थोड़ा दो चार बता दीजिए और आत्मा का भी दो चार गुण बता दीजिए। प्रकृति का गुण तो बहुत सारा है, सत्य बोलना असत्य बोलना, चोरी करना चोरी नहीं करना, अच्छा काम करना बुरा काम करना, आप समझे ना, अच्छी जबान का उपयोग करना बुरी जबान का उपयोग करना, अच्छी क्रिया करना बुरी क्रिया करना, अच्छा सोचना बुरा सोचना, ये सब प्रकृति का गुण है, ये मेरा है तेरा है, मैंने किया आपने किया, ये सब किसका गुण है, प्रकृति का गुण है, प्रकृति का सब गुण विनाशी है, क्या है, और संजोगों के ऊपर अधीन है, कैसा है, वो स्वयं गुण नहीं है, और आत्मा के जो जो भी गुण है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति चैतन्यता अविनाशी पर, ये सब कुछ गुण उसका जो है वो परमानेंट है, वो बाहर दिखते हैं, दोनों क्या है, अलग है और अलग ही रहेंगे, वो कभी मिश्रण नहीं है, एक स्वाभाविक गुण है और एक प्राकृतिक टेम्पररी गुण है। आज जो लोग प्रेम करते हैं कल गुस्सा भी करेंगे, आज गुस्सा करते हैं कल प्रेम भी करेंगे, आज क्रोध करते हैं कल शांति से भी बात करेंगे, आज जो लोग शांति से बात करते हैं कल क्रोध भी कर सकते हैं, आज हंसते हैं तो कल रो भी सकते हैं, आज सुखी है तो कल दुखी भी हो सकते हैं, तो प्रकृति के गुण कैसे है, परिवर्तनशील शाश्वत नहीं है, मगर आत्मा के सभी गुण शाश्वत है, स्वाभाविक है, उसका उत्पत्ति और नाश, और प्रकृति के हर गुणों की उत्पत्ति भी होती है और नाश, इसलिए प्रकृति का हर गुण टेम्पररी है और आत्मा का हर गुण परमानेंट है। समझ में आया कि नहीं? भी आगे आगे जाओ, ओके। प्रश्न नंबर दो, भगवान अवतार ईश्वर और परमेश्वर किसके लिए उपयोग में, किसके लिए उपयोग में प्रयत्न में है, किसके लिए उपयोग में प्रचलन में है, प्रचलन में प्रचलन शब्द प्रचलन में
यानी आपको खुद बातें, आपको शब्दों का अर्थ जानना है, अर्थ जानना है। भगवान, अवतार, ईश्वर और परमेश्वर किसके लिए उपयोग में प्रचलन है? देखो, हर व्यक्ति ने, हर महान पुरुषों ने समय समय पे भगवान के टाइटल को अलग अलग नाम दिया। किसी ने कहा ये भगवान है व्यक्ति को, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, ऐसे भगवान का टाइटल दे दिया लोगों ने पहचानने के लिए। किसके लिए? पहचानने के लिए। तो भगवान का टाइटल दे दिया। फिर कहीं लोग कहते हैं ये तो अवतारी पुरुष है, समय समय पे जन्म लेते हैं, इसको अवतारी बताया गया। फिर बताया गया ये तो ईश्वर है, जिसे भगवान बोला ऐसा ईश्वर भी बोला, तो अलग नाम दिया। क्या दिया? नाम। और परमेश्वर या तो परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा का मतलब होता है जहां तक मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, मगर मैं आत्मा हूं ऐसा जानता हूं, समझता हूं और लक्ष्य में रखता हूं, वहां तक मैं आत्मज्ञानी हूं। जी, आप समझे? मगर वो आत्मा का जब धीरे धीरे अज्ञान मिट के अनुभव हो गया तो मैं ही परमात्मा हूं। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, मगर अवस्था दो है, एक सोच है और एक अनुभव है। बच्चा ही बाप बनता है और बच्चा ही दादा बनता है, बोलते नहीं कितनी व्यक्ति है, बच्चा अलग फिर बाप अलग और फिर दादा अलग, ऐसा होता है? नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति करते हैं। अवस्था भेद है, अवस्था भेद। समझ में आया जी? अवस्था भेद है। आत्मा ही परमात्मा हो जाता है जब आत्मा का ज्ञान होता है जागृति के साथ, तो इसको आत्मा कहेंगे जी। और जब अनुभव हो गया तो वही परमात्मा हो गए, फिर मैं आत्मा हूं ऐसा लक्ष्य में रखने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आप समझाए? और भगवान और ईश्वर में भेद है क्या स्वामी जी? कोई भेद नहीं है, टाइटल अलग अलग है। आप एक ही व्यक्ति को कहो कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा कहता है ये मेरा पिता है, तीसरा कहता है ये मेरा पति है, चौथा कहता है मेरा चाचा है, तो व्यक्ति चार है या एक है? एक ही। टाइटल अलग अलग है, जिसका जो रेफरेंस है वो बताते हैं। व्यक्ति तो एक ही होती है, कोई इसको भगवान कहे, कोई इसको ईश्वर कहे, कोई इसको अवतार भी बोलते हैं, मगर जो मूल भेद है वो तो आत्मा और परमात्मा का समझना है, बाकी और कोई भेद समझने की जरूरत नहीं है। सब प्राकृतिक रूप से अलग अलग नाम पहचानने की। बस प्रश्न नंबर 3, पिंड और ब्रह्मांड का पर्याय क्या है? पिंड का मतलब होता है यहाँ, ब्रह्मांड का मतलब होता है पूरा विश्व। तो ये जो पूरा विश्व है, पूरा विश्व, वो पूरा विश्व 6 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 6 तत्वों से। हाँ, 6 सनातन तत्वों से बना है, और हमारा पिंड है वो भी 6 सनातन तत्वों से बना है। आप समझे जी? तो पिंडेशो ब्रह्मांड और ब्रह्मांडेशो पिंड। समझ में आया जी? जो मैंने पहले 3 6 तत्व बताए थे, चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, सिद्धि सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये 6 सनातन तत्वों से ब्रह्मांड बना है और पिंड भी वही 6 तत्वों से बना है। तो पिंडेशो ब्रह्मांड एंड ब्रह्मांडेशो पिंड। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। ओके। प्रश्न नंबर 4, माया और मायावती, मायापति, मायापति जी, माया और मायापति तथा प्रकृति और पुरुष किसे कहते हैं जी? माया और मायापति
माया और मायापति, मायापति मतलब माया का स्वामी, स्वामी माया का स्वामी, माया और मायापति, ये माया जो है, ये माया का जो पति है, माया तो बाहर दिखती है, लोग फंस जाते हैं, क्या करते हैं, फंस जाते हैं। मैंने कल ही कहा था कि आप जन्म, आपने जन्म लिया, उसके बाद आपको माता पिता सब परिवार मिला, खाना पीना सब कुछ मिला, खेलने का मिला, पैसा भी मिला, एजुकेशन मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, सब कुछ मिला आपको समय समय पर, और भौतिक संपत्तियां भी मिली, मकान गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिला, मगर जो भी मिला है उसमें से कोई भी चीज को आप साथ में नहीं ले जा सकते, शरीर भी नहीं ले जा सकते जी। बराबर है कि नहीं? फिर भी हम इतने उत्साह से काम करते हैं, कुछ भी नहीं ले जा रहे, फिर भी यही तो माया है नहीं, फिर भी करते हैं और मेरा मेरा करके मर जाते, और वास्तव में मेरा है नहीं, यही तो माया की जाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माया जाल, माया जाल। तो माया जाल का पति कौन है, वो कुदरत है, क्या है, कुदरत को समझ लिया तो ये माया जाल समझ में आ जाएगी, कुदरत को नहीं समझा तो माया जाल में ही फंसना है, और कोई रास्ता नहीं। मगर कुदरत को जान, पति का मतलब होता है उनको उत्पत्ति का कारण कोई है, नहीं कहते कुदरत ने माया जाल बनाई है, उसका रचयिता वही है, मगर हम उसमें फंस गए मोह से जी। क्या बताया, मोह से फंस गए, मोह से फंस गए, आप समझे, एक ने बनाया लड़का, एक माँ बाप ने बनाया लड़का, दूसरे माँ बाप ने बनाई लड़की को, वो दोनों जब पैदा हुए तो माता पिता कहते थे ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, फिर बड़े हो के वो पढ़ने के लिए गए, खेलने के लिए गए, तो लड़की को कहते थे भाई मेरी सहेली है, लड़का कहता है मेरा मित्र है, फिर पढ़ने के लिए गए तो टीचर बोलते हैं मेरा स्टूडेंट है, लड़का या लड़की, उसके बाद जब शादी हुई तो बोलता है मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, फिर जब बच्चे होते हैं तो बोला है मेरी पिता है, मेरी माता है, यानी कौन किसका है वो ही समझ में नहीं आता है, इसको कहते हैं माया की। सब लोग समय समय बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, किसी का है यही तो समझना है, माया की जाल किसको बोलेंगे, नहीं फिर भी लगती है तो इसीलिए इसको माया की जाल बोला, आप समझे, तो माया और मायापति और प्रकृति और पुरुष, प्रकृति इसको बोलते हैं और पुरुष परमात्मा को बोलते हैं, आत्मा को पुरुष बोलते हैं और प्रकृति को, प्रकृति जो है इनको शरीर बोलते हैं, आप समझे जी, तो शरीर को प्रकृति बोलते हैं और आत्मा को पुरुष बोलते हैं, पुरुष आप समझे, पुरुष आत्मा पुरुष है और प्रकृति स्त्री है, क्या बताया, प्रकृति स्त्री, और स्त्री और पुरुष के बीच में जब अज्ञान होता है तो नए कर्मों का जन्म होता है, और स्त्री पुरुष के बीच अज्ञान नहीं होता है तो जब स्त्री का अंत होता है तो परमात्मा मुक्ति की ओर चले जाते हैं, फिर जन्म मरण होते नहीं नहीं है, समझ में आया जी। बस आपके जो चार प्रश्न थे खत्म हो गए, मुल्कराज मिश्रा मुल्कराज है, ये मुल्क के तो राज है ये सबका अपना अपना होता है, पूज्य श्री जय सच्चिदानंद, मेरा प्रश्न यह है कि आपके अनुसार जो कहते हैं कि आध्यात्म में वाड़ा संप्रदाय नहीं होना चाहिए,
यह बात ठीक है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में ही राम को माना हुआ, कृष्ण को भी, महावीर भगवान को भी, आदि महापुरुषों को भी मोक्ष हुआ है। राम को, कृष्ण को, महावीर को, इसी हिंदुस्तान में मोक्ष हुआ है। और आगे जो है, और इन सभी के समय में भी शिक्षा दीक्षा जो गुरुकुल में होता था, तो उन्हें कर्मकांड से लेकर कर्मयोग और ज्ञान हो और सनातन सत्य सभी का ज्ञान दिया जाता रहा है। और देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में देरासर में स्थापित किया जाता रहा है जहाँ जो जिस संप्रदाय से ढले हैं वहाँ अपनी आस्था लेकर के हम उस मंदिर में रहा है। और उस मूर्ति में अमूर्त के दर्शन कर भाव प्रकट करता है, जो परंपरा हम लोग कर रहे हैं। जब आपकी जीवित मंदिरों में ही, यानी प्रत्येक जीव में ही परमात्मा को प्रकट स्वरूप में देखना है, वही सत्य है अध्यात्म। इस पर प्रकाश डालिए मूर्ति के विषय पर विशेष रूप से। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो मूर्तियों का माध्यम बना, वो इस प्रकार से बना कि जैसे कोई व्यक्ति उम्र में छोटा है, समझ में छोटा है, डेवलपमेंट में छोटा है, तो उनको अंदर के भगवान की पहचान समझ नहीं होती है, तो उसके लिए बाहर जो एक आकार है, रूप है, इसको भगवान मान के भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शक्ति मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, आप समझे ना, भजन स्तवन वगैरह करते हैं उनके पास, तो ये एक प्रकार का उनके लिए माध्यम हो गया। क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो बाल जीवों के लिए अपनी आस्था को प्रकट करने का एक माध्यम हो गया मंदिर जी। मगर वो बाल मंदिर से जब ज्ञान मंदिर में जाएगा, तो इसको मालूम होगा कि जो बाहर में जिसको परमात्मा मानता हो, वो तो परमात्मा अंदर बैठे हैं। बाहर तो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। और वो भी प्रतीक किसका है? जिसने खुद के अंदर के परमात्मा को पहचाना है। मगर परंपरा में ऐसा नहीं बताते हैं कि ये प्रतीक जो है उसने परमात्मा को पहचाना है, ऐसा नहीं बताते। वो यही कहेंगे कि ये ही परमात्मा है जी। और ये कहने का मकसद ये है कि ताकि आम लोगों की, जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी श्रद्धा बनी रहे, और इसीलिए उसको परमात्मा के रूप में बताया जाए, ताकि आपकी श्रद्धा उनके प्रति बनी रहे। एक अच्छी भावना से बताया गया। क्या बताया? अच्छी भावना से रखा गया। हाँ, मगर काल क्रम में ये भावना जो है वो धीरे धीरे कॉमर्शियल हो गई। क्या हो गई? कॉमर्शियल हो गई। हर लोग बिजनेस करने लगे भगवान के नाम पर। क्या बताया? बिजनेस करने लगे भगवान के नाम पर। तो कोई कुछ हेल्प नहीं करता है, मगर भगवान का इतना बड़ा नाम बना दिया ताकि उसके नाम पे तो कुछ ना कुछ लोग देंगे। आज कहीं भी जाके एक छोटा सा मंदिर बना दो, कच्चा पक्का, वहां मूर्ति लगा दो और दो टाइम आप पूजा करोगे और आरती करोगे, तो धीरे धीरे 5-25-50 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर मान्यता बनेगी, फिर छोटे में से बड़ा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर बनेगा। और जो उनके पुजारी थे, जो स्थापक थे, वो भी धीरे धीरे मंदिर भी बड़ा बनेगा और उसका मकान भी बड़ा बनता रहेगा। नहीं समझ में आया? तो ये तो उसके नाम पे बिजनेस है। लेकिन स्वामी जी,
ये तो ऋषि मुनियों के समय से ही मूर्ति की स्थापना होते आ रही है और यज्ञ करना ये वैदिक रीति। ऋषि मुनियों जो थे वो ऐसा कहना चाहते थे कि वो ऋषि मुनि खुद मंदिर नहीं बनाते थे और मंदिर नहीं चलाते थे। मगर ऋषि मुनि कहते थे समाज के लोगों को, क्योंकि ऋषि मुनि तो जंगल में रहते थे, वो साधक के रूप में रहते थे। क्या बताया? तो समाज के लोगों को कहते थे कि आप तो बार बार घर परिवार छोड़ के, काम काज छोड़ के हमारे पास तो नहीं आ सकते हैं। तो आप जिस इलाके में रहते हैं वो इलाके में भी आप अगर भक्ति की, भगवान की भक्ति करते रहो, आस्था के साथ पूजा पाठ करते रहो, भगवान के पास अपनी शक्तियां मांगते रहो, गलतियों की क्षमा मांगते रहो और उनकी ही स्तवना करते रहो, तो ताकि आप घर के पास होगा तो आप ये सब कर सकोगे। तो आप खुद ही समाज के लोग इकट्ठा होके एक अच्छी जगह पे धार्मिक मंदिर बना दो, वहाँ भगवान की स्थापना कर दो और वहाँ ही आपको भक्ति भाव करना है। और समय मिले तो वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार जहाँ सत्संग प्रवचन होता है हमारे यहाँ वहाँ आप आ सकते हो जी। तो ये ऑप्शन बताया। क्या बताया? ये मतलब परोक्ष भक्ति हुई। परोक्ष भक्ति है, मगर परोक्ष भक्ति उस समय परोक्ष थी, आज परोक्ष भक्ति भी बिजनेस हो गई, ये मैं कहना चाहता हूँ। परोक्ष भक्ति तो उस समय थी, आज तो परोक्ष भक्ति बिजनेस हो गई। क्या हो गई? बिजनेस हो गई। अभी आप समझते हैं, तो वो भी नहीं रहा अभी। आप समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारे समाज में ये सब गिर गया। तो इसीलिए मैं कोई मंदिर का या मूर्ति का या तो पुजारी का विरोधी नहीं हूं, मगर जो लोगों ने मंदिर बनाया था जिस आशय से, वो मरने के बाद वो आशय नहीं रहा। लोगों को यही लगा कि अभी मंदिर तो लोगों के पैसे से बना दिया है, अभी हम 2-3-4 वहीवट करता है, क्या है तो जो कुछ भी पैसा आएगा वो तो हमको ही बांटना है। हाँ। नहीं समझ में आया? वही कर रहे हैं सर, क्योंकि और कोई तो हिसाब लेने वाला है नहीं जी। और मंदिर बनाना था वो तो बन गया, अभी तो चलाना है बनाना। तो जो जो बड़े बड़े फंक्शन करते करते, फंक्शन करना है लोगों को पैसे से, मगर जो दान आता है वो हमको मिलेगा, वही बट करता है। नहीं समझ में आया? आ रहा है जी। मगर नाम तो उनका ही देंगे, हमारा नहीं देंगे। नहीं, मेरे ना, हमारे नाम पे तो कोई पैसा नहीं, मगर भगवान के नाम पे लोग पैसा देंगे। वो पैसा भगवान के काम में नहीं है, किस काम में आएगा? हमारे काम में आएगा। ये चीजें जो अभी आपने कहा कि जो लोग मतलब कमाने का जरिया मूर्ति को बनाए हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावे भी जैसे जो आध्यात्मिक बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंस के व्याख्याता हैं, तो उनके पास भी वो खुद से तो नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। और स्पिरिचुअल में ये भी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो और चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, सबका फ्री भोजन चलता है, फ्री रहना चल रहा है, आखिर तो वो कहीं से अर्थ का स्रोत होता है, तभी तो चलता है। आपकी बात सही है कि जहाँ फ्री भोजन है, जहाँ फ्री रहना है, वो तो टोटली समाज के लिए है और समाज ने बनाया है और समाज से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो चीज समाज ने बनाया है, समाज के लिए बनाया है और समाज से ही चलता है, उसमें 2-4 वहीवट करता है, उसमें से पैसा निकाल देता है, उनकी बात है। आप समझे जी? जो दानेश्वरी दान देते हैं मंदिर के अंदर, उनकी नीयत खराब नहीं रहती है, मगर जो वहीवट करने वाला होता है तो वो कहता है ये मंदिर तो बड़ा बन गया और मैं वहीवट करता हूँ तो मैं उसमें से कैसे पैसा प्राप्त करूं? तो वो क्या करेंगे, ऐसे तो पैसा निकाल नहीं सकते क्योंकि हिसाब तो बताना पड़ता है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे,
भाई ये मकान को कलर करना है, रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयरिंग करने आया है तो वहां तो बिल होता नहीं है, तो उनको देंगे 500 रुपया और वाउचर बना देंगे 5000 रुपये का। नहीं समझ में आ रहा है, फिर क्या करोगे? हम क्या करेंगे, हम तो सामान्य, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, करना नहीं है। मैंने करने का कुछ नहीं कहा, मेरे कहने का, मेरे समझने का आपका प्रश्न है, समझाने के लिए ही है और आपको समझना है, करना नहीं है। नहीं है, मेरे समझने में ये फर्क आ रहा है कि जो स्पिरिचुअल व्याख्याता है तब तो उनका भी वो कहते तो है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें हम कुछ किसी से लेते नहीं है, आखिर तो उनका भी खर्च चलता है। अच्छा, और रह गया सवाल कि सभी जो भी समाज के सुनने वाले व्यक्ति हैं तो वो सत्संग में जो हाजिर होता है वो तो श्रद्धा उनको देता है कि नहीं ये विचारवान व्यक्ति हैं, इनको कुछ की जरूरत नहीं है, अपनी श्रद्धा से जो भी है वो चलो दे दो, इतने दूर आए हैं ये सोच करके। लेकिन आखिर इसमें भी तो आध्यात्मिक में भी तो फिर जो व्याख्याता है इनके भी तो कुछ न कुछ जरिए निकल रहे हैं कमाने के। देखो सिंपल बात है, हमारे जब हजारों साल पहले 2000 साल पहले फिर ऋषि मुनियों भी जो जीते थे, क्या बताया, ध्यान से सुनना बराबर, ऋषि मुनियों भी जीते थे, जंगल में रहते थे, मगर उसका पूरा खर्चा राजा महाराजा क्या करते थे, देते थे कि नहीं देते थे, मगर वो गलती क्योंकि वो नेसेसिटी थी भाई, रहने की जगह बना दिया, खाने की सुविधा कर दिया, कपड़े की सुविधा कर दिया, और कोई बीमारी है तो इलाज की सुविधा कर दिया, कोई फंक्शन करना है तो फंक्शन के लिए पैसा दे दिया, तो वो खर्चे को उसकी मति गलत नहीं बोलते हैं। मगर जो लोग नेसेसिटी नहीं मौज शौक के लिए करते हैं वो तो सही नहीं। ये बात है, आप समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये हमारी आर्य परंपरा है कि साधु संतों और सन्यासी को उनके जीवन के लिए खाने की, कपड़े की, पानी पीने की, रहने की और एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये करने की जिम्मेदारी समाज की है कि नहीं है। मगर वो पैसे जिम्मेदारी को छोड़ के वो कहेंगे मेरे को बड़ा बंगला बनाना है, गाड़ी लेना है बड़ा, नौकर चाकर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, गोल्ड डायमंड सिल्वर का मुकुट चाहिए, सिंहासन चाहिए, ये जरूरी नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो वो गुरु को गिरने की संभावना है और शिष्य भी उसमें जिम्मेदार हो गया। समझ में नहीं आया? आ गया बस। और इसीलिए हमारे समाज में ये मान्य है, हमारे नहीं दुनिया के विश्व के कोई भी धर्म देख लो, आज चर्च भी चलेंगे पैसा से, बिना पैसा चलेगा नहीं, मस्जिद चलेगी बिना पैसा नहीं, मंदिर चलेगा बिना पैसा। तो कोई भी धार्मिक स्थान और धर्मगुरु का जीवन जो खुद समाज साधना करके उनका बाह्य जीवन समाज के लिए होता है, उनकी नेसेसिटी पूरी करना वो तो समाज का कर्तव्य है और वो गलती भी नहीं है। गांधी जी जब जाते थे अहिंसा की आजादी के लिए, गांव गांव घूमते थे, तो क्या लोग उसको खाने की सुविधा नहीं देते थे, रहने के नहीं देते थे, तो क्या इसको आप ऐसा कहोगे कि लोगों के पैसे से खाते थे? ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ये नेसेसिटी है। क्या है? नेसेसिटी है। वो अपने मौज शौक के लिए पैसा इकट्ठा करे और मौज शौक वाला जीवन जीते तो वो करेक्ट नहीं। आप समझे? समझे। यहाँ हमको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर हम नहीं रखेंगे तो वो गिरेंगे, इनके लिए हम भी इतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि गिराने में हमारा भी योगदान है। क्या है? योगदान है। हाँ। तो इतना अंधा बनने की जरूरत नहीं है, मगर कोई भी साधु संत है आपके गांव में शहर में आए हैं और इनको दवा की जरूरत है
ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, दो चार दिन को रुकने की जरूरत है, तो सुविधा करना वो समाज का फर्ज है, है क्या नहीं? है। इसमें कोई गलती न देने वाले की है न लेने वाले की है। तो ये बात तो सिंपल है, उससे आगे बढ़ते हैं वो अच्छा है? नहीं। फिर कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? समाज में होता है। हाँ। तो ये अच्छा नहीं। लेकिन स्वामी जी, ये चीज को पहचानने के लिए असली साधु संत, असली आध्यात्मिक व्याख्याता को समझने में कि ये असली है कि ढोंगी है, ये भी तो हम लोगों में फर्क हो जाता है। और हम लोग तो विश्वास में कहीं देते हैं कि चलो दरवाजे पर हैं, महात्मा हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इनको अपने यथाशक्ति श्रद्धा दे दिया जाए। हम लोग जहाँ तक लालचो रहेंगे वहां तक तो लुटेरा रहेगा ही, क्या बताया? हम लालचू होंगे तो लुटेरा तो होगा ही। तो हम लालची किस बात के हुए? उनके आशीर्वाद चाहिए, उनसे मेरा काम बन जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे को अच्छी बहू मिल जाए, मेरा परिवार का धंधा अच्छा चले, परिवार में शांति रहे, यही लालच होती है। अगर ये लालच न रहे, निस्वार्थ रहे तो आपको मालूम आपकी आंख खुली है, लालच है तो बंद हो जाती है। नहीं समझ में आए? आ रहा है। वो धीरे धीरे खुलेगी, कोई बात नहीं। ये समाज में आप देखो, मैंने इसीलिए भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान जान के समझ के उपयोग करके अनुभव करके पूरी दुनिया में घूमो और सच्चाई जानने की समझने की कोशिश करो। ये विज्ञान ऐसा नहीं कहता है यहाँ आए वहां नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का, ये विज्ञान की बात नहीं है, ये धर्म संप्रदाय की बात है। आपको आंखें खोलने ही नहीं देता है, पूरा यही चक्कर में पड़े रहो, बाहर गए तो तुम मर गए, डरा दिया, डेंजर, आप समझे? और अनुभवी ज्ञानी पुरुष कह के थे, विज्ञान समझ के ब्रह्मांड में कहीं भी जाना है तो जाओ, मगर सच्चाई को समझने की कोशिश करो जी, खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो। मगर जब आपकी आंखें खुलेगी तभी आप समझेंगे और दूसरे को समझाएंगे। आपकी जब सोच ही लिमिटेड है, आप दूसरे को क्या बताएंगे? वही लिमिटेड सोच, फिर कोई आर्गुमेंट करेगा तो बोला ये नहीं, यही बराबर है, वो तो बराबर नहीं, यही कहोगे ना जी, क्योंकि आपकी सोच क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड हो गई है। तो सच्चाई कैसे? आप खुद अनुभव भी नहीं करोगे और दूसरों को बता भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा, देखो सिंपल बात यह है कि कोई भी व्यक्ति आपको डर बताता है, क्या बताता है? डर बताता है, कोई भी प्रकार का, मतलब वो डर बता के उनका काम निकालना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। हाँ। और जो लोग कहते हैं कि तुम खुद ही परमात्मा हो, शक्तिशाली हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, मगर जो भी है वो अविनाशी है, मगर अज्ञानता के वश तुम विनाशी चीजों के पीछे पड़े, यही अज्ञानता है, आप समझे जी? इसका मतलब मंदिर जाए चाहे न जाए वो हमारे ऊपर है। जाना न जाने की बात नहीं है, आंखें खुली रख के दुनिया में कभी भी कहीं भी जाओ, मगर आंखें क्या रखो? खुली रखो, खुली रखो, ये लेने की बात है, जाने न जाने की बात ही नहीं है जी। आप समझे कि नहीं? समझ में। हम जिस प्रकार से एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हम जन्म से पैदा हुए तभी हमको जन्म के साथ ही कुल धर्म मिला, क्या मिला? कुल धर्म मिला। तो जो कुल में पैदा हुए वो हमारा धर्म हो गए, तो कुल धर्म कोई परंपरा को फॉलो करना कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति को जी, आप समझे? हाँ हाँ। मगर हम ब्लाइंड बन जाए वो अच्छा नहीं है, नहीं है। हम अभिभूत क्यों होते हैं? भी भगवान की भक्ति करना है, वहां जाके भगवान के पास भक्ति करो, उनके पास शक्ति मांगो, गलतियों के लिए क्षमा मांगो, और परमात्मा को कहो कि जो भी कुछ मेरी कमियां हैं सोच में, समझ में, अनुभव में, वो कमियां दूर हो जाए, ऐसी परमात्मा आप हमको शक्ति दो। तो ये भावना करते हैं, तो ये भावना करने में कोई तकलीफ नहीं, और वहां 2 रुपया 5 रुपया मंदिर में डाला है,
तो भी गलती नहीं है, क्योंकि पुजारी का पगार भी चलेगा, लाइट पंखे का खर्चा भी निकलेगा, रिपेयरिंग वगैरह करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो नेसेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेसिटी। मगर लाखों रुपया का दान दे दूंगे और फिर मंदिर तो बन गया है, अभी लाखों रुपया दान दूंगे फिर क्या होगा? वही पैसा कहाँ जाएगा? मंदिर के जो वहीवट करता वाला है उसके पास जाएगा, और फिर बाद में वो तो मौज मजा करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। आप समझे कि नहीं? जी जी, जी। इनको तंग, अगर कोई व्यक्ति वहां काम करती है पुजारी के रूप में तो उनको पगार मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं नहीं होनी चाहिए। पगार तो मिल जाए, उनका भी परिवार है, घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे, उनका खाना पीना तो होना चाहिए। हाँ। इतना तो तनख्वाह देनी चाहिए, इसमें मना नहीं करते, मगर इनके मौसम पूरा करना है, इतना पैसा देना वो करे नहीं नहीं। आप समझे? तो हमको ये समझना है, अगर पुजारी की बात छोड़ के कोई साधु संत सन्यासी की बात करते हैं तो सन्यासी को तो खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मेडिकल चाहिए, और क्या चाहिए उसको? और कुछ नहीं। हाँ, फिर कहते लाख रुपया लाओ, क्यों देते हैं आप? बताइए मेरे को। अज्ञानता बस। किसकी अज्ञानता? तुम्हारी क्यों की? हमारी बस। बात आ गई फिर? जय सच्चिदानंद, मैं समझ गई। तो फिर गलती तो हमारी है। जय स्वामी जी। स्वामी जी। यस यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। आत्मा के बारे में आपने चलते चलते कल भी आज भी उसकी चर्चा हुई कि एक प्रतिथित आत्मा हमारे कर्मों का उत्पादक है, जबकि आत्मा जो है शुद्ध रूप से शुद्ध भूत मुक्त एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप परधामा। तो क्या आत्मा में भी इस प्रकार के उसका रूप बदलना या उसके स्वरूप बदलना उसमें विकार आ गया ये माना जाए, तो क्या आत्मा भी पॉजिटिव सुपरलेटिव कंपरेटिव डिग्रियों में बटा हुआ है, जबकि शुद्ध तत्व जो है सोना 24 कैरेट का शुद्ध माना जाता है, अगर उसको आभूषण बनाना है तो उसमें तांबा आदि कुछ मिलाया जाता है, तो ये साथ इस प्रक्रिया पर थोड़ा प्रकाश करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो हमारी जो आंखें हैं ना, आंखें किसी की अशुद्ध हो सकती है। मैं आंखें की बात करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट, अभी आपको उत्तर देना है। आंखें किसी की गलत हो सकती है, बताइए। नहीं, मेरी सिम अभी मेरा प्रश्न पूरा कंप्लीट सुनो। आंख जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको निकाला जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, इसमें गलती हो सकती है? बोलिए एक बार। हेलो। जो आंखें हैं, हम सबकी आंखें हैं, इसमें गलती हो सकती है? आंखें तो सिर्फ देखने काम करती, वस्तुता जो दिखता है उसी का अनुभव करेगा। गलती हो सकती है, इसका उत्तर दो मेरे को। आंखों में भ्रम हो सकता है। आंखें में हो सकता है कि दृष्टि में हो सकता है? हाँ, कही थे दृष्टि की है, दृष्टि में भ्रम, दृष्टि का भ्रम हो सकता है। दृष्टि 2 साल के बच्चा भी फैन को देख सकता है, 10 साल का बच्चा भी फैन को देख सकता है, 20 साल का बच्चा भी फैन को देख सकता है, और 50 साल के बच्चा भी फैन को देख सकता है, देख सकता है कि नहीं? मगर तीनों की चारों की दृष्टि एक होती है, आप तो एक है, बोलते नहीं है। ठीक है, तो दृष्टि अलग है और आंख? आंख में कमी नहीं, दृष्टि में कमी है। किसमें है? दृष्टि। हाँ, ये दुनिया जो दिखती है ना, वो दृष्टि के चश्मों से दिखती है। कौन से चश्मे? दृष्टि के चश्मों से राग होता है, द्वेष होता है, आंखों से नहीं होता है। अगर आपको निकाल के यहाँ टेबल पे रख दो, अभी आपको कहो तुम राग द्वेष करो, तो करेगी नहीं, बोलते नहीं। नहीं, 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 नहीं।
तो इंस्ट्रूमेंट में गलती है, गलती कहाँ है? अपने दृष्टि में। तो परिवर्तन कहाँ करना है? दृष्टि में। आंखों में परिवर्तन नहीं करना है। आंख तो दृश्य दिखाता है, क्या दिखाता है? दृश्य। मगर दृश्य को कैसे समझना, वो दृष्टि के ऊपर आधारित है, वो दृश्य के ऊपर आधारित नहीं है। अगर एक पिक्चर यहाँ लगा दिया कि एक स्त्री यहाँ अच्छा नृत्य करती है, आरंगत्रेल समझता है वो? आरंगत्रेल समझते हैं कि नहीं? साउथ इंडियन में डांस करते हैं वो, इसको आरंगत्रेल बोलते हैं, मालूम है कि नहीं? आप यहाँ क्या कहते हैं? नहीं मालूम मेरे को, भरतनाट्यम कहो, जो भी कहो, कोई कोई बात नहीं, नृत्य का एक प्रकार, कोई कोई बात नहीं, हमको तो समझने की जरूरत है। तो भरतनाट्यम जो करते हैं, तो ऐसा एक दृश्य यहाँ लगा दिया, फोटो पिक्चर लगा दिया, और 10 जेंट्स को कहा कि भी आपको जो दृश्य दिखता है वो एक सेंटेंस में लिख लो, आपको क्या दिखता है? कितने सेंटेंस में? एक सेंटेंस। 10 व्यक्तियों को बोल दिया, तो 10 का उत्तर एक होगा कि अलग होगा? अलग अलग। क्यों? दृष्टि आंख है, दृश्य एक, फिर दृष्टि अलग अलग है, मालूम हुआ ना? आंख और दृष्टि अलग है, मालूम हुआ ना? हुआ कि नहीं? तो आत्मा एक, दृष्टि अनेक, तो कर्म भी और भुगतान भी। आत्मा में कोई गलती नहीं है, आत्मा का काम तो प्रकाश देना है, जैसे आंखों का काम दृश्य को दिखाना है, मगर देखने वाली दृष्टि अपनी दृष्टि से वो दृश्य को देखेंगे, ऐसे आत्मा का काम प्रकाश देना है, मगर प्रकाश में जो दिखता है वो देखने वाला दृष्टि है, वो दृष्टि जैसा देखेंगी वैसा राग द्वेष होगा। प्रकाश वो राग द्वेष नहीं करवाता है, समझ में आया कि नहीं? ये प्रकाश से ये सब कुछ दिखता है, तो प्रकाश में जो दिखता है वो देखने वाले आंखों से राग द्वेष, मगर आंखों के पीछे दृष्टि है, तो दृष्टि के मुताबिक राग द्वेष होते हैं। तो करेक्शन कहां करना है? आत्मा में भी नहीं करना है और आंखों में भी नहीं करना है। आंखों जो है वो स्थूल दृश्य दिखाती है, और आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश के माध्यम से हम दृश्य को देख सकते हैं, बिना प्रकाश देख नहीं देख सकते, देख सकते हैं नहीं। हाँ, जैसे जैसे यहाँ ये मटकी पड़ी है, क्या पड़ी है? मटकी, छोटी मटकी पड़ी है, और यहाँ चारों ओर अंधेरा है, क्या है? अंधेरा, मगर मटकी अपनी जगह पे है और हमारी आंखें खुली है, मगर चारों ओर क्या है? कोई जगह से प्रकाश आता नहीं है, तो हम खुली आंखों से वो मटकी को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, मगर आंख तो खुली है, आंख खुली है परंतु रोशनी देखने की क्षमता है। तो आत्मा रोशनी देता है, आत्मा ये नहीं कहता है मटकी अच्छी है, बुरी है, मेरी है, तेरी है, ऐसा वो नहीं कहता है, वो मटकी को दिखाता है, मेरा तेरा तो हम करते हैं, प्रकाश नहीं करते, प्रकाश तो दृश्य देखने में सहायक होता है, वस्तु को दिखाता है, मगर राग द्वेष हम अपनी दृष्टि से करते हैं। तो करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि। तो दृष्टि को ही प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, दृष्टि को ही मिश्र चेतन कहते हैं, दृष्टि को ही लाइव ईगो कहते हैं, दृष्टि को मूल आत्मा कहते हैं नहीं है, वही मैं जानना चाहता हूं। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आत्मा वैसी सृष्टि नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा भाव वैसा भाव, जैसा भाव वैसा भाव, जैसी मति वैसी गति, जैसा आत्मा वैसी गति, समझ में आया? तो इसी को रुकन को जो है दूर करने जाकर, तो वही तो मैंने कहा, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपके समझ में, सोच में, दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन है वो मेरे सामने प्रेजेंट कर दो, मैं सभी कंफ्यूजन को निकाल दूंगा। क्या बताया? निकाल दूंगा, आपको रखूंगा, कंफ्यूजन को निकाल दूंगा। आप समझ गए?
यही मेरा कर्तव्य है। हम शुक्र गुजार है आपके आपके दरबार में आए हैं, चरण में आए हैं, तो ये पूरा हम अपने भ्रम को अपने दृष्टि में जो भ्रम है उसको निकालने के लिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। और कुछ प्रश्न करना है? जय सच्चिदानंद। ये भैया का एक्चुअल में पूछने का रीजन ये था कि जो आप अभी थोड़ा देर पहले जो बताया कि ना भैया जब पूछे कर्म का भोक्ता कौन है, तो आपने बताया कारण शरीर जो दिखता नहीं है वो भोक्ता है, और बाकी मन वचन मतलब भोक्ता ये है, कर्ता वो है। हाँ, तो कर्ता वो पूछने के लिए उन्होंने मतलब ये कारण कारण शरीर कारण से जो शरीर वो मैंने बताया कारण शरीर वो प्रतिष्ठित आत्मा वो दृष्टि है, दृष्टि कहो कारण शरीर कहो प्रतिष्ठित आत्मा कहो मिश्र चेतन कहो लाइव ईगो कहो सब अलग अलग नाम एक ही चीज का है, और आत्मा इससे अलग है और शरीर भी इससे अलग है, वो न शरीर है न आत्मा है, आत्मा न कर्म का बंधन करता है और न कर्म की भुगतान करता है, और शरीर जो है वो सिर्फ कर्मों की भुगतान करता है, शरीर कर्म बंधा बनाता नहीं है, और जो कर्म बनाने वाला है वो दृष्टि है, प्रतिष्ठित आत्मा है, लाइव ईगो है, मिश्र चेतन है, आप समझे, इसको आप दृष्टि भी कुछ भी कहो वो शरीर भी नहीं है और आत्मा दोनों के बीच में, और वहां करेक्शन करना है इसमें तो, क्योंकि इसको तो पैदा होते ही उनके पास कोई पावर ही नहीं है, श्वास लेने का पावर भी इनके पास नहीं है, बोलते नहीं है, है? कोई कहता है मेरे पास श्वास लेने का पावर है, तो मैं कहता हूं ये घंटा बंद कर दो, पूरा नहीं कर सकता, फिर तुम्हारा पावर तो स्विच ऑफ कर दो ना, पूरा नहीं, पावर तो नहीं है। तो जब श्वास लेने का पावर नहीं है तो जिस श्वास के आधार से मन वचन काया चलता है उसमें से पावर कहां से लाओगे? ये बॉडी जीवित रखने के लिए श्वास की जरूरत है, तो जीवित रखने की भी स्वतंत्र शक्ति आपके पास नहीं है, तो जो जीवित शरीर मन वचन काया के माध्यम से क्रिया करता है उसमें आपकी फ्रीडम कहां से होगी? और यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है, मैं करो वही तो अज्ञानता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम रात को तब थक गए कंटाल गए और रात को तय किया अब ये भी खाना बाना खा लिया है, थके हुए हैं शारीरिक और मानसिक, 10 बजे हमने तय कर दिया कि हमको सो जाना है, तो सोने के लिए गद्दी में लेट गए, मगर 12 बजे तक नींद नहीं आती है, क्यों बोलिए? क्या मगर आपको तो सोना है, फिर सोच क्यों रहे हो? आपने तय कह दिया मेरे को सो जाना है, फिर सोने की क्या जरूरत है? मगर सोचना वो आपके कंट्रोल में नहीं, आप नहीं सोचना चाहोगे तो भी सोचना पड़ेगा, विचार तो आते ही रहेंगे क्योंकि वो परिणाम स्वरूप है, पुरुषार्थ करो, आप चाहो या न चाहो हर समय श्वास लेना ही पड़ेगा, और जितना श्वास लेंगे उसी श्वास के साथ आप मर भी रहे हो, या सुनो, तो जीना और मरना मेरी चॉइस है कि कंपलसरी है? कंपलसरी है, कोई पसंदगी नहीं है, आप समझे कि नहीं? जब श्वास लेना चॉइस नहीं है तो कोई भी अवस्था में पसंदगी हो सकती है? नहीं हो सकती है, वो कर्म सत्ता के अधीन है, और इसीलिए पहले दिन ही मैंने बताया था कि राम को भी वनवास जाना पड़ा, वो उनकी मर्जी नहीं थी, कर्म सत्ता थी, और कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ, वो मर्जी नहीं थी, कर्म सत्ता थी, और महावीर भगवान को भी कान में खिला लगा, वो भी कर्म सत्ता थी, तो कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती फिर कहेंगे मैं करूं मैं, यही तो भ्रांति है, न तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है, न बोलने की शक्ति है, न क्रिया करने की शक्ति है, कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, आपको जो कुछ भी विचार आते हैं बोलना पड़ता है, क्रिया करना पड़ता है, ये सब कुछ कंपलसरी है, वो कर्मों का फल है, क्या है उसमें पसंदगी नहीं है। स्वामी जी समझ में आए कि नहीं?
जय सचिदान। इसी बात को थोड़ा और डिटेल में समझाइए ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में किसी भी चीज में विचार करने में, वाणी में और व्यवहार में कोई स्वतंत्र नहीं है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाएं ताकि आपके एकदम क्लियर हो जाए। वो ये हमारा मन वचन काया है, वो हमारी सत्ता में है या संयोग के अधीन है? बोलिए। संयोग आपको सोचना पड़ता है, वो भी संयोग। बोलना पड़ता है, वो भी संयोग। वो क्रिया करनी पड़ती है, वो भी संयोग। बिना संयोग कुछ कर सकते हैं? तो संयोग किसने दिए? कुदरत ने दिया। क्यों दिया? कर्मों को भुगतने के लिए। तो हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक, जब पैदा होते हैं, माता पिता की पसंद की भी हमारी नहीं है, है कि नहीं है? बोलिए। पैदा होते ही भाई बहन की पसंद की भी नहीं। रहने का घर मिलता है वो भी पसंद की नहीं। पैदा होते ही धर्म मिलता है वो भी पसंद की नहीं। आप समझे? मगर जब बचपन से लेकर तब जब बड़े होते हैं तो जितनी जितनी समझ में आती है तो लोगों को लोग हमको शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिमाग में बैठ जाता है कि करना ना करना की सत्ता हमारे पास है, ऐसा बचपन से बिठा देते हैं। क्या करते हैं? और फिर बाद में बुद्धि से वो समझ क्या होती है? और परिपक्व होती है। फिर बाद में उसमें से बाहर निकलना आम लोगों के बस की बात नहीं है। वो डब्बे में आ जाते हैं। क्या जाते हैं? मान्यता से, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। भोक्ता भी मैं ही हूँ, शरीर भी मैं ही हूँ, शरीर को चलाने वाला मैं ही हूँ। बोलते नहीं है, मगर जन्म देने वाला दूसरा है और जलाने वाला भी बोलता नहीं है। हाँ के ना तो बोलो। जन्म देने वाला भी दूसरा और जलाने वाला, और जब जन्म हो गया तो जीवन तक मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं करेंगे। पैदा करने वाला दूसरा और मारने वाला भी, मगर जीता है तो बोला मैं हूं। अब समझे? उनकी मर्जी से कुछ भी होता और जिसको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है वो अपने कर्मों के फल स्वरूप में मर्जी के मुताबिक नहीं है। आप समझे? तो ये मन वचन काया चलाने की स्वतंत्रता न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी, न ही हमारे पास है। हम सब जीव कर्म सत्ता के अधीन है, मगर इन महान पुरुषों को हम भगवान के रूप में इसीलिए मानते थे या मानते हैं क्योंकि वो चारित्र से महान थे। क्या बताया? चारित्र से महान थे। और इसके अंदर इनको जब आत्मा का अनुभव हो गया है तो इसीलिए हम इसको भगवान के रूप में मानते हैं, मगर वो खुद भगवान नहीं थे, उनके अंदर भगवान थे। क्या बताया? शरीर को तो जला दिया जाता है, बोलते नहीं। राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, सबके शरीर को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? बोलो। तो कोई भी शरीर, किसी का भी शरीर भगवान हो सकता है? नहीं। मगर शरीर के अंदर आत्मा जो है, जो भगवान स्वरूप है, वो जिस शरीर के अंदर प्रकट हो गया तो वो आत्मा ही परमात्मा है, मगर शरीर परमात्मा नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों बातें पक्की समझनी पड़ेगी। मगर जब कोई धर्म संप्रदाय में जाओगे तो ऐसी बात वो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उनका मार्ग कैसे चलेगा? बोलते नहीं है, उनको तो बोलना ही पड़ेगा कि यही भगवान है और ये भगवान ही तुम्हारा भला करेगा। अभी जिसको समझाते हैं उसको मालूम नहीं है कि ये जो हमको समझा रहा है कि ये भगवान तुम्हारा भला करेगा, वो भगवान का होगा या कहने वाले का होगा, वो आज तक किसी को मालूम नहीं है। बोलते नहीं है।
भगवान भला करेगा तो वो भगवान का होगा या भगवान को भला करने वाला बताने वाले का होगा, वो आज तक किसी को मालूम नहीं। और दुनिया चलती है चलाने वाला चाहिए बस। और जब सच्चाई सामने रखते हैं क्या करते हैं तो स्वाभाविक के लोग तो विरोध करेंगे, नहीं करेंगे? करते हैं। सच्चाई सामने आएगी तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये कलयुग है। क्या है? कलयुग। और इसीलिए सभी लोगों को अंधेरा पसंद है। क्या पसंद है? अंधेरा। क्योंकि हमारा काला काम किसी को दिखे नहीं। अगर कोई प्रकाश देने वाला आता है तो बोला इसको बुझा दो, बुझा दो। अगर प्रकाश ज्यादा हो गया तो हमारा काला काम दिख जाएगा, तो इसको बुझा दो। क्या बताया? आज देखो हमारे प्रधानमंत्री सभी के काले चिट्ठे खोल रहे हैं, तो बोला इसको मिटा दो, बुझा दो। नहीं समझ में आया? तो विरोध करना वो तो आम इंसान का काम होता है, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। जो पावरफुल आदमी होता है वो विरोध नहीं करता है, काम करता रहता है। क्या करता है? वो काम करते रहते हैं। मरना तो सबको है कि नहीं? मगर वो किसी के विरोध से डरते नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत खराब नहीं है। जो नीयत खराब है वो इस दुनिया में पावरफुल के हिसाब से जीते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मगर जो व्यक्ति की नीयत साफ है इसको क्या डरने की जरूरत है? नहीं है। मरना तो दोनों का है। क्या बताया? मरना सबको। मगर आज लोग क्या कहेंगे? फिर तुम सच्चा मत बोलो तो लोग आपको मार देंगे, डर पैदा करते हैं। मैंने कहा डरने की क्या जरूरत है? मरना तो राम को भी था, कृष्ण को भी था, महावीर को भी था। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। और महान पुरुष की यही विशेषता होती है कि जो शरीर को मरना ही है, इसको मारने वाला कौन है? समय। क्या है? समय। कोई व्यक्ति नहीं है तो समय से मरना वो तो सबकी बात है, कोई व्यक्ति की बात नहीं। मगर जहां तक समय नहीं आया है वहां तक जो लोग इस दुनिया की सच्चाई को बताने की कोशिश करते हैं वो ही सच्चे महान पुरुष है। वो किसी के दबाव में या प्रभाव में आके या स्वार्थ और लालच में आके कोई बात नहीं करते हैं। आप समझे कि नहीं? तो ये बात बनी है। और इसीलिए आप देखो, अगर मैं व्यक्ति के रूप में एक छोटा व्यक्ति हूं, न मेरे पास कोई संस्था है, न मेरा कोई फॉलोअर्स है, न कोई मंदिर है, क्या बताया, ना ही कोई संपत्ति है, ना ही कोई संस्था है, और फिर भी हमारी जबान में से जो जो निकलता है वो सुन के बड़ी बड़ी संस्था वाले भी हिल जाते हैं। नहीं समझ में आया? ये चारित्र का पावर है। किसका पावर है? आप समझे ना? राम ने भी जब रावण के साथ युद्ध किया था तब उनके पास वेपन नहीं थे, सिर्फ वानर सेना थी। क्या थी? मगर उनके पास ये था, सच्चाई थी। क्या था? रावण के पास सब कुछ था, सैन्य भी थे, सब कुछ था उनके पास, सच्चाई तो। तो आप समझे कि नहीं समझे? तो महानता ये होनी चाहिए कि हम जहां तक जीवित है वहां तक दुनिया को आगे ले जाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, और इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए, और कहीं डेवलप थी अच्छा इंसान बन के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, इसके लिए जो भी बताना चाहिए वो महान पुरुष बताने की कोशिश करता है। इसमें से जो व्यक्ति को जो कुछ भी लेना है वो ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं। महानता इसमें नहीं है कि ये बात कितने लोग सुनते हैं, महानता इसमें है कि बात करने वाले व्यक्ति की नीयत कैसी है, उनका कैरेक्टर कैसा है। आप समझे ना? उनका इंटेंशन आशय क्या है वो बड़ी बात है। संख्या इंपोर्टेंट नहीं है,
राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर जो भी लाइफ है उनका 100, 500, 1000 जो भी वर्ष है, हम इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आंकड़े में जाना नहीं चाहते हैं, मगर राम और कृष्ण का जितना भी लाइफ था, कभी अपनी पूरी लाइफ में 25 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया है, हाँ या ना? बोलिए, और है तो मेरे को प्रूफ बताओ, समझे नहीं समझे? तो 25 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया, मतलब क्या वो कमजोर थे? आप समझे कि नहीं? मगर उसके जाने के बाद आज करोड़ों लोग उसको मानते हैं, क्योंकि उसकी जबान में, उनके चरित्र में क्या था? पावर। तो पावर की कीमत है, संख्या की कीमत नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? मैंने बहुत सारे महान पुरुषों का चरित्र पढ़ा है, मगर जिनके अंदर सच्चाई होती है ना, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सामने वाले व्यक्तियों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो खुद के कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया झुकती है। आप समझे? मैं बहुत सारी, मैंने बचपन से लेके दुनिया के 30 धर्मों का अध्ययन किया, क्या बताया, छोटी उम्र में 15 साल की उम्र तक मैंने कर दिया, दुनिया के 30 धर्मों का अध्ययन कर दिया, और हजारों साधु संतों को मिला हूं, और कई महान पुरुषों की मैंने किताबें भी पढ़ी है जो मेरे को प्रेरणा देती है, क्या देती है? आप समझे ना? मैं छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लक्ष्य में रखता हूं, जैसे महात्मा गांधी जी थे, हमारे सामने अभी हो गए, वो की पुरानी बात नहीं है, उनका इतिहास हमारे सामने है। जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमको तो अहिंसा से आजादी लेनी है, तो पहले लोग इसको पागल समझने लगे, क्या समझने लगे, कि इतने सारे हथियारधारी लोग हैं, उनके सामने आप अहिंसा से आजादी की बात करते हो, इम्पॉसिबल है, क्या है? मगर एक व्यक्ति का मनोबल देखो, कभी किसी को लकड़ी भी नहीं मारी होगी, आप समझो, वो महात्मा गांधी जी। ये जीवन के दो प्रसंग में कहूंगा, एक जब मीठा का सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह करने के लिए निकले, तो पहले उन्होंने अनाउंस किया कि ये काम के लिए मेरे को सब सहयोग दो, क्योंकि जो नमक होता है वो हमारे देश में पकता है और सभी के घर में नमक का यूज होता है, और ये लोग उसके ऊपर टैक्स डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं? तो हम सबको पेमेंट करना पड़ेगा, हमारे देश का नमक टैक्स उनको मिलेगा, बराबर है कि नहीं? तो सत्याग्रह, मीठा का सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह, जब गांधी जी ने ऐसी बात किया कि हम उस दिन पर निकलने वाले हैं सत्याग्रह के लिए, तो लोगों ने समझा, पढ़े लिखे लोगों ने, ये तो पागल हो गए, मीठे के लिए, नमक के लिए क्या करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, छोड़ दो। आप समझे ना? देश की आजादी के लिए ठीक है, मगर नमक के लिए करना जरूरी नहीं है, ऐसा बुद्धिशाली लोगों ने सोचा है। और जब निकलने का दिन आया, क्या बताया, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो निकल रहे हैं वहां से, गांधी आश्रम में से, अहमदाबाद साबरमती आश्रम में से, तब उनके पास केवल 7 लोग थे, कितने? 7 लोग थे, मगर इसका कॉन्फिडेंस देखो, बात कॉन्फिडेंस की है, बात संख्या की नहीं है। उनको मालूम था मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वो लाखों लोगों की भलाई के लिए जा रहा हूं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं जा रहा हूं, और मेरी नियत उसके लिए साफ है, मेरे को न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान चाहिए, आप समझे? और इसीलिए वो निकल पड़े सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग, और जैसे जैसे वो आगे चले, छोटे छोटे गांव में से 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, क्योंकि साबरमती से वो जगह तो दांडी तो बहुत दूर है, आप समझे? तो कहने का मतलब, धीरे धीरे लोग क्या करें, जुटने लगे, और जब वहां दाढ़ी पहुंचे तो हजारों लाखों लोग वहां इकट्ठे हो गए, तो एक व्यक्ति का आत्मविश्वास देते, आप समझे? तो ऐसा नहीं कि कोई काम करोगे तो आज कितने लोग हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो, लोग जुड़ते रहेंगे, अगर आपकी नियत साफ है और आप में सच्चाई है, लोग स्वयं जुड़ते रहेंगे, आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझे? आपके
बात में पावर होना चाहिए, नियत होनी चाहिए और आपके अंदर कोई अंधविश्वास अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। आप समझे ना, लोगों को सही राह बताने की कोशिश करना चाहिए। बाद में लोग जुड़ेंगे, आप समझे ना। और दूसरी बात, जब अंग्रेजों ने तय किया कि भी हमको भाजपा भारत को आजादी देना है तो उसके लिए किसको बुलाए, तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे तो उनको बुलाया, बोलो बात करने के लिए, फाइनल डिस्कशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेजी परिषद जो लंदन में हुई थी, तो गांधी जी को बुलाया। तो गांधी तो स्टीमर में गए, इसमें गए, उस समय तो इतना प्लेन का व्यवहार नहीं था और कॉस्टली भी था, तो स्टीमर में गए। तो गांधी जी का तो पैरवेश तो सिंपल होता था, वही उनकी पोतरी, वो भी एक चीज लगाते थे, यहाँ घड़ी लगाते थे, चश्मा लगाते थे, हाथ में लकड़ी थी, यस यही उसका दीदार था। तो इतनी ठंडी में भी वो वही ऐसे ही गए, और वहां के जितने भी जो मिनिस्टर थे, क्या बताया इसको उस समय वाइसरॉय बोलते थे, क्या बोलते थे, वो वहां थे, मिनिस्टर थे, वहां के चीफ मिनिस्टर भी, प्रधान सेवक भी थे वहां, चर्चित वो भी उस समय था, मुखिया, कंट्री का मुखिया, प्राइम मिनिस्टर, वो भी वहां थे और बाकी सब मिनिस्टर भी वहां थे, और सबने सूट बूट पहना था, टोपी वोपी लगाई थी, सेल्ड बिल जो कुछ लगाना था स्टेटस के मुताबिक वो लगा दिया था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बैठे थे, और महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, क्या बताया, उसकी एंट्री होती है, हालांकि उनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, आप समझो, कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, ऑफिशियल मतलब लीगली, लीगली लीगली कोई स्टेटस, वो लोगों के दिल में उनका स्टेटस था, ऑफिशियल स्टेटस उसको रिक्रूट नहीं किया था, क्या आप देश के मुखिया है, ऐसा रिक्रूट नहीं किया था, फिर भी वहां गए, मगर उसकी नियत और उसका कैरेक्टर देख के इतने बड़े वाइसरॉय रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हुए, आप समझे। तो ये जो व्यक्ति प्योर होती है ना, उसका रिस्पेक्ट स्वयं होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों को दिलों में राज करता है, दिमाग में नहीं, ये पावर है उसका, क्या है, वो पावर से वो खड़े हो जाते हैं, किसी को बोलने की जरूरत, हुक्म देने की जरूरत नहीं है। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली और चर्चिल ने बताया कि भाई हम आपको आजादी तो देंगे, मगर आप आजादी लेके क्या करोगे, ना ना आपके पास सड़क है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, और ना आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ये देश को और इतने बड़े देश के इतने पॉपुलेशन को आप लेके करोगे क्या, आपके पास तो कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है ही नहीं, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना एजुकेशन, ना मेडिकल, ना टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है आपके पास, ये देश लोग के क्या करोगे, लोगों को भूखे मार दोगे, आप समझे ना, हम देना चाहते हैं मगर लेके करोगे क्या, इसको डराने की, गांधी जी को डराने की कोशिश किया ताकि वो मना कर दे। उस समय महात्मा गांधी जी ने सबके सामने बोला कि वी वांट फ्रीडम, क्या चाहिए, आजादी, हमको आजादी चाहिए, हम कौवे और कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं, बट वी वांट फ्रीडम बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, हम मुक्ति की कीमत जानते हैं, क्या बताया, आजादी क्या होती है इसकी हम कीमत जानते हैं, तो हमारे पास क्या है क्या नहीं वो सोचने की आपको जरूरत नहीं है, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं, वो ऐसे नहीं आता है, वो नियत से आता है, कैरेक्टर से आता है, ये शब्दों की बात नहीं है, ये शब्दों के पावर की बात है। अगर आज महात्मा गांधी जो भी प्रवचन में बोलते थे, अगर वो ही शब्दों का कोई कॉपी कर देंगे, पावर कहां से लाओगे, नहीं पावर, तो शब्दों का पावर नहीं है, पावर से शब्द पावरफुल हो जाते हैं, आप समझे,
जैसे आज अभी हम गुलाम हैं धर्म का, आज हमारे देश स्वामी जी, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं दो प्रश्न है। गीता में हमने एक श्लोक सुना है कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मतलब मन ही बंधन और मोक्ष का कारण। एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये है, मुक्त हम किसके लिए मोक्ष चाहते हैं? शरीर को तो मरने के बाद में नष्ट कर दिया जाता है और आत्मा तो अजर अमर है, तो मोक्ष हम किसके लिए करें, इसका समाधान करिए। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या था? सबसे पहला प्रश्न बोलिए। पहला प्रश्न ये था, गीता में ये कहा गया है कि मन जो है, उनको रिपीट करें, मन जो है बंधन का और मोक्ष का यही कारण है ना जी। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि मोक्ष हम चाहते हैं, मानव शरीर धर के हम मोक्ष की कामना करते हैं, तो मोक्ष किसके लिए? शरीर तो जला दिया गया है, शरीर का मोक्ष तो खत्म हो गया, और आत्मा जो है अजर अमर है, तो फिर किसके लिए हम मोक्ष करें? हाँ, तो पहले मन बंधन और मुक्ति का कारण है, ठीक है, उसमें प्रश्न क्या है आपका? नहीं, स्टेटमेंट बताया है, उसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लगता है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, या और कोई प्रश्न करने का इरादा है? वो प्रश्न क्लियर था नहीं, ये तो आपने सेंटेंस बोल दिया है। जी हाँ, कंफ्यूजन ये है कि मन जो है हमारे शरीर को चला रहा है, मन ही मालिक है, मन ही ड्राइवर है, हम ऐसा मान लिए है ना। तो मन को यदि हम ये कर दें, तिरस्कृत कर दें, तो क्या हमको मोक्ष मिल जाएगा? क्योंकि मन को यदि कारण मानते हैं, है ना, मन ही सब कारण है, तो मन से हम सोच ले कि हम मुक्त हैं, तो हम मुक्त हो जाएंगे क्या? या मन से हम सोच ले कि हम बंधन में पड़े हैं, तो बंधन में हो जाते हैं क्या? यही मेरा प्रश्न है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो गीता में लिखा है कि मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, वो बंधन का मतलब होता है, वो कौन सा मन है? वो भाव मन है, क्या है? और आज जीवन से जुड़ा हुआ जो मन है बाह्य क्रियाओं के लिए, वो द्रव्य मन है। द्रव्य मन का मतलब होता है परिणाम वाला मन, जो पिछले अवतार में भाव मन था वो आज द्रव्य मन हो गया है, समझ में आया? और आज जो भाव मन है इससे नया कर्म बनता है। तो दोनों मन क्या है? एक मैकेनिकल माइंड है, क्या है? जो ऑटो मोड चलता है, ऑटो मोड समझते हैं ना, मैकेनिकल चलता है, जो आप चार्ज करके लाए हैं वो डिस्चार्ज होता है। जैसे हम फिल्म की डीवीडी बनाते हैं, फिर इसको प्ले करते हैं, तो जो डीवीडी में वो दिखता है, मगर इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, तो उसको मैकेनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। और दूसरा मन जो है वो क्या है? नई भावना से चार्ज करते हैं, जिसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट। तो ये दो प्रकार का मन है, पहले ये समझो। तो जो मैकेनिकल माइंड है वो बाह्य जीवन चलाने के लिए है, और उनके साथ जुड़ा हुआ फिक्स है, क्या है? सोच भी फिक्स है। क्या बताया? सोच भी फिक्स है, उसमें कोई करेक्शन या बदलाव नहीं कर सकते हैं। मगर जो भाव मन है वो आज की हमारी सोच है, अनुभव है, और अनुभव के आधार से हम सोच के कहते हैं कि भी ऐसे संजोग नहीं, ऐसे संजोग होने चाहिए, ऐसी सोच नहीं, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी जबान नहीं, ऐसी जबान होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी दृष्टि नहीं, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, तो ये करेक्शन करते हैं, तो वो भाव मन है। तो भाव मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। तो भाव मन में जब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ करेक्शन होता है तो वो बंध का कारण है, कि अभी मैं गुस्सा करता हूं मगर भाव मन में कहता हूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो नए लाइफ में आप गुस्सा नहीं करोगे, मगर वो ही बंध का कारण हो गया, क्योंकि लाइफ तो मिलेगी आपको, भाई मेरे को ऐसा माता पिता नहीं, ऐसा माता पिता चाहिए, मगर लाइफ तो मिलेगी, भाई ऐसा भाई बहन नहीं, ऐसा भाई बहन चाहिए मेरे को, भाई मैं लेडीज नहीं जेंट्स बनना चाहता हूं, तो जन्म तो मिलेगा। आपने आपके कॉज बदले,
क्या मतलब है? कॉज का मतलब होता है कारण को परिवर्तन किया, कार्य तो नहीं कर सकते हैं, मगर आज का कारण नेक्स्ट वर्ड में क्या हो जाएगा? कार्य बन जाएगा। आज की एग्जाम नेक्स्ट वर्ड में क्या हो जाएगी? रिजल्ट हो जाएगी। मगर आज का रिजल्ट हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिछले अवतार की एग्जाम का फल है। समझ में आ गया? पैदा होते ही माता पिता भाई बहन धर्म कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि रिजल्ट है, रिजल्ट में पसंदगी। एग्जाम के साथ आपको पावर होता है, रिजल्ट में पावर नहीं होता है। आप समझेंगे? समझे? तो ये जो भाव मन है, वो भाव मन जहां तक संसार के साथ जुड़ा है, वहां तक नया संसार खड़े करेंगे, इसको कहते बंधन, बंधन का कारण। अगर वो भाव मन आत्मा के साथ जुड़ गए तो वो मोक्ष का भी कारण हो सकता है। बंध और मोक्ष शरीर के साथ जुड़ा है तो बंध का कारण है, और आत्मा के साथ जुड़ गया तो मोक्ष का कारण है। तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे और जन्म मरण का चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। एक बात है। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि भी आखिर शरीर तो विनाशी है, इसका तो अंत होने वाला है, और आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, तो फिर मुक्ति किसके लिए? आप समझे ना? तो मुक्ति इसके लिए है कि हमको जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है आत्मा को भी, क्योंकि कुदरत का कानून ये है कि जिस आत्मा की हाजिरी में भाव मन से जैसा कर्म करोगे ऐसा जन्म मरण का चक्कर लेना पड़ेगा, और वो आत्मा को भी इसी के साथ जाना ही पड़ेगा। अगर वो भाव मन नरक गति का कर्म करेगा तो नरक गति में भी आत्मा को जाना पड़ेगा, अगर वो भाव मन पाशवता का कर्म करेगा तो पशु लेने में भी आत्मा को जाना पड़ेगा, अगर वो भाव मन दैवी कर्म करता है तो देव गति में भी आत्मा को भी जाना पड़ेगा और वो शरीर में रहना पड़ेगा। तो जहां तक भाव मन में गलती है वहां तक तो हम खुद को खुद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आप समझे कि नहीं? होते हुए भी समझ में आया कि नहीं? तो खुद को खुद की अनुभूति करना है, तो खुद को खुद की अनुभूति तब होती है जब संसार के प्रति जो अज्ञान है वो अगर भाव मन में नहीं रहेंगे तो नया संसार नहीं बनेगा, तो खुद को खुद की अनुभूति होगी, मगर अज्ञान के साथ आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तो आत्मा तो अज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा भाव मन में से, किसमें से? भाव मन में से, और अज्ञान है वहां तक तो कर्म बनेगा और जन्म मरण का चक्कर चालू भी रहेगा। एक कंफ्यूजन और हो गया यहाँ पर, बोलिए। अभी जैसे हम चाहते हैं कि हम मुक्ति को पाएंगे, मुक्ति को पाएंगे मतलब सिद्धि, अपन जो क्षेत्र जो है जो भी, हाँ, भी चले जाएंगे, समझ गए। तो ऐसा क्यों फिर बाबा तुलसीदास ने लिखा, कहने दिखा है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, ये लिखा है, तो हम ये प्रयास क्यों ना करें कि ये मानव जीवन भी तो बहुत सुखद है, ये मानव जीवन जो है कम सुखद नहीं है, बहुत बढ़िया है, तो हम नेक्स्ट भी मानव जीवन ले ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको फिर से ये मानव जीवन, क्योंकि ये संसार हमारे लिए अच्छा है, हमारे माता पिता अच्छा है, हमको ये संसार बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम मानव जीवन पुनः ले, इसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट बर्थ में भी मानव भाव चाहिए तो आपको मानवतावादी कर्म करना पड़ेगा, जिसमें इंसानियत होनी चाहिए, जो भी कर्म है, मगर इसमें क्या होना चाहिए? इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो नेक्स्ट बर्थ में अगर ऐसा कर्म बनेगा मानवतावादी, तो नेक्स्ट बर्थ में मानव बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका कर्म मानवतावादी हो गया तो मनुष्य भाव में जन्म मिलेगा, अगर आपका कर्म पास भी है तो पशु योनि में जन्म मिलेगा, अगर आपका कर्म राक्षसी है तो नरक गति में जन्म मिलेगा, और आपका कर्म दैवी है तो देवलोक में जन्म मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, जैसी मति वैसी गति होगी। आप समझे? इसमें कोई किसी को अच्छा इंसान नेक्स्ट बर्थ में बनना है तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं।
मगर इसका बीज आपको इस वर्ष में डालना पड़ेगा। बीज का फल वहां आएगा, क्या आएगा आप समझे, फल के समय आप कोई चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। जो भी करेक्शन करना है आज ही आपको बीज में करना पड़ेगा, इसमें नहीं, बीज में। भाव मन, कौन सा मन, जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी मति बिगड़ी इसकी, समझ में आ गया। तो करेक्शन अंदर करना है, बाहर नहीं करना है। बाहर तो ये कर्म फल है, इसमें किसी के पास चॉइस नहीं है। श्वास लेने की भी स्वतंत्रता शरीर को नहीं है, आप समझेंगे ना, बस। और यही बात ध्यान रखना है। और किसी को मोक्ष में नहीं जाना है तो मोक्ष में जाना कोई कंपल्सरी नहीं है। अच्छा इंसान बनना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है, मगर उसके लिए उसी प्रकार के आपके भाव कर्म होने चाहिए, समझ में आए, तो अच्छा इंसान बन सकते हैं। और कोई प्रश्न है? ओके, यस स्वामी जी, जैसे आज एक कोटेशन आया है उसमें कि स्वयं का अभ्यास करें, स्वयं में रमण करें, यही सच्ची भक्ति है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। स्वयं का अभ्यास करें का मतलब क्या होता है कि देखो, मन वचन काया से जन्म से मौत तक कोई भी क्रिया होती है, कोई भी क्रिया, मन वचन काया से जन्म से मौत तक कोई भी क्रिया होती है, बिना आत्मा की हाजिरी हो सकती है। मगर मन वचन काय की क्रिया में इतने उलझ गए कि खुद को ही भूल गए। तो ज्ञानी भगवान तो ये कहना चाहते हैं, कोई भी क्रिया मन वचन काया से होती है, मगर मैं ही खुद परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मेरे अस्तित्व से ये शरीर का अस्तित्व है, शरीर के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व नहीं है, ये दृष्टि होनी चाहिए। तो स्वयं में रहकर स्वयं में ही समाना है, प्रकृति को तो बिगिनिंग और एंड है ही, इसमें हमारे पास चॉइस नहीं, मगर मैं खुद आत्मा हूँ और मैं खुद ही परमात्मा हूँ। मगर आत्मा से परमात्मा कब बनूंगा, जब मैं स्वयं में रहूंगा, तो जब मैं प्रकृति में रहूंगा तो परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। तो उसमें स्वयं में रमने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा, वो समझ जाता। हर क्रिया में सिंपल बात है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, गौर से सुनना। जैसे आत्मा की, शरीर की बात करता हूं अभी, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो चेतन है और अविनाशी है, और इसका नाश नहीं होता, तो इसकी वैल्यू वन गिनो, क्या वन, वन का मतलब कभी जीरो नहीं होता। और जो चीज पैदा होती है, नाश होती है, आती है चली जाती है, मिलती है चली जाती है, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब टेम्पररी है, तो क्या है, जीरो। और आत्मा शाश्वत है, तो उसकी वैल्यू क्या है, वन है। तो अभी बॉडी की बात करेंगे, तो बॉडी में जो आत्मा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिर बॉडी की वैल्यू जीरो, साधन की वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू, संबंधों की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, सत्ता की वैल्यू, जो भी हमारा स्टेटस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, नौकर हूँ, चाकर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, वकील हूँ, ये सब की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी ना। जितनी भी रिलेटिव सत्य की बातें हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मगर आगे एक है तो सभी जीरो की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, एक के बाद जीरो है तो दस, फिर जीरो है तो हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, दस लैक, करोड़, दस करोड़, सौ करोड़ होगा ना, क्योंकि आगे क्या है, ठीक है। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, सभी जीरो की वैल्यू है क्योंकि, मगर आप पूरी लाइफ में पैदा होते हैं और मरते जब तक एक की वैल्यू नहीं करते, वो आप ये क्या करते हैं, क्योंकि एक से आपकी वैल्यू है, जीरो से एक की वैल्यू नहीं है, नहीं समझ में आया। मगर आप पैदा होते ही अभी तक मरते दम तक हर समय जीरो की ही वैल्यू करते हैं और एक को छोड़ देते हैं, बस
तो वैल्यू किस करना है? सभी जीरो की वैल्यू है क्योंकि वन है, अगर वन निकल गया तो सब जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो ही है। मगर हम पूरी जिंदगी वैल्यू जीरो ही करते हैं, यही अब हमारी अज्ञानता है। और वो अज्ञानता को मिटाना है, जीरो को नहीं मिटाना है, जीरो तो स्वयं मिट जाएगा, मगर जीरो की वैल्यू करने की अज्ञानता मिटाना है और जो एक है उनकी वैल्यू करना है। लेकिन इसका अभ्यास थोड़ा और बताइए कि कैसे अभ्यास? नहीं, आप देखो कि आत्मा के बिना शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता। शरीर के बिना संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। शरीर के बिना संपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकता। शरीर के बिना साधन हो सकता है? नहीं हो सकता। शरीर के बिना डिग्री हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीर के बिना सत्ता हो सकता है? नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ शरीर के हिसाब से है और शरीर है आत्मा के हिसाब से, तो आत्मा नहीं कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैल्यू किसी करनी चाहिए? वन की। और करते हैं किसके? जीरो। चेंज योर विजन। प्रकृति कुछ भी करे बट आई एम, मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं साधन नहीं हूं, मैं संपत्ति नहीं हूं, पर सबकी वैल्यू भी नहीं है, सबकी वैल्यू तब है क्योंकि मैं हूं। यस और नो? यस। एक व्यक्ति आपको कहेंगे कि मैं आपको कितना पैसा चाहिए, बोला 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ दे दूंगा। कितना गोल्ड चाहिए, 100 किलो दे दूंगा। कितना सिल्वर चाहिए, 100 किलो दे दूंगा। डायमंड कितना चाहिए, 500 करोड़ का दे दूंगा। मगर एक कंडीशन है, सब कुछ देगा आप मैं ले लूंगा तो जीरो गया सर। सब जीरो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। क्योंकि उपभोग करने के लिए जो मुख्य वस्तु थी वो निकल गई। तो पूरी जिंदगी वैल्यू तो उसकी करते हैं, उसके तो करते नहीं है। अपनी वैल्यू कब करते फिर और क्या करेंगे? तो हमको ही तो वैल्यू आत्मा की करनी है। हमने जीरो की वैल्यू किया था तो हमको अभी एक की वैल्यू करना है। एक का मतलब होता है आत्मा, जीरो का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, जो टेम्पररी है, जो सनातन सत्य है उसकी वैल्यू करना था। मतलब अज्ञानता से हमने व्यवहार सत्य, टेम्पर सत्य है, रिलेटिव सत्य है, उसकी वैल्यू क्या है? तो चेंज योर विजन, आपकी दृष्टि को परिवर्तन करो। अभी सनातन सत्य की वैल्यू करो, टेम्पररी सत्य की, क्योंकि वो आज है और कल नहीं रहेगा। मगर मैं तो रहूंगा, इसको जला दिया जाएगा तो भी मैं रहूंगा, तो वैल्यू मेरी करनी है उसकी करनी है, आत्मा की करनी है। यही दृष्टि की बात है, यहाँ कोई छोड़ने की बात है नहीं, कोई त्याग करने की बात नहीं है। फिर बात किसमें आ गई? दृष्टि पे। दृष्टि पे कलेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि। मेरी हर बात है दृष्टि के ऊपर आधारित है, मन वचन काय की क्रिया के ऊपर आधारित नहीं है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और कृष्ण भगवान ने भी महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन को दृष्टि ही दिया था, न उसका गुरु भगवान क्रिया परिवर्तन नहीं किया था, मगर क्या परिवर्तन किया था? दृष्टि। इसको कहते हैं दिव्य चक्षु, क्या बोलते हैं? और मैं भी लोगों की दृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, मन वचन काय को परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। आप समझे? तो बात वही है। एक और वाक्य मैंने पढ़ा था सोनगढ़ में कि चैतन्य का अनुभव महान संपदा है और चैतन्य का विस्मरण महान आपदा है, इसको समझाइए। सिंपल बात है ना, जब आत्मा ही नहीं है तो बिना चीजों की वैल्यू कहाँ है? तो महान संपदा है मतलब वो किस अभिप्राय? इसके अलावा कोई संपदा है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपकी मान्यता है। क्या है? तो चैतन्य का विस्मरण महान आपदा है, वो चीज मतलब आपने चैतन्य को खो दिया और संसार में जुड़ गए, वही सुख दुख की भुगतान करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको भूल गए तो फिर रात में तो होगा ही, होगा तो कर्म बनेगा, बनेगा तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, वही आपदा है। और एक सेंटेंस और आया था, अध्यात्म के राजमार्ग के किनारे में चक्रवर्ती कामदेव जैसे फूल खिले रहते हैं, इसको थोड़ा समझाइए। वो तो लालच तो होगी ना भैया, एग्जाम देना है और जैसी बड़ी एग्जाम होती है, जैसी बड़ी पोस्ट होती है तो एग्जाम भी बड़ी होती है, छोटी पोस्ट होती है तो एग्जाम भी छोटी होती है। तो आपको
आपको परमात्मा को अनुभव करना है, क्या अंतिम स्टेशन होता है, अंतिम एग्जाम, उसमें लालच तो रहेगी, चक्रवर्ती समझे, वासुदेव, प्रति वासुदेव, सम्राट, ऐसी पोस्ट तो मिलेगी, मगर उसमें भी उलझोगे नहीं तभी पास होंगे। अच्छा, उसमें उलझना नहीं है, उलझ तो आती जाती रहेंगी, मैं शाश्वत हूँ, आप समझे कि नहीं समझे। इंसान को ये मालूम नहीं होता है कि कीमत करने वाला बड़ा होता है कि जिसकी कीमत करते हैं वो बड़ा होता है, वो इंसान को नहीं मालूम है आज तक। क्या बताया मैंने, कीमत करने वाला बड़ा होता है या जिसकी कीमत करते हैं वो बड़ा होता है, वो आज तक इंसान को नहीं मालूम है। जो डायमंड की कीमत करोड़ रुपया है, क्या बताया, करोड़ रुपया है, वो इंसान ने बताया कि उसकी कीमत क्या है, करोड़, डायमंड ने नहीं बताया, किसने बताया, इंसान ने बताया। तो किया कीमत मैंने, तो मेरे से वो कीमत कम होगी या ज्यादा होगी, मेरी कीमत ज्यादा होगी। और वही डायमंड जंगल में पड़ा है और बंदर इसको खेल रहे हैं क्योंकि कीमत, आप देखो तो कीमत करने वाले छोटे हो गए, आप समझे कि नहीं। और जिस दिन हमने आत्मा के डायमंड की कीमत कर दिया, ये संसार पूरा फीका रहेगा, आप समझे। मगर जहां तक ये संसारी चीजों की वैल्यू किया, तब तक तो भटकना ही है, संसारी चीजों को त्याग नहीं करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, जीरो करना है, और इसकी वैल्यू वन करना है। जहां तक संसार की वैल्यू रहेगी, वहां तक इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, बस ये दृष्टि की बात है, ये त्याग की बात नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन और था, ध्यान निज आत्मा का, ध्यान निज परमात्मा का अभिषेक है, तो इसको थोड़ा समझाइए। ध्यान निज आत्म ध्यान निज परमात्मा का अभिषेक है, यानी हर समय शरीर होते हुए भी मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा अभिषेक करने से प्रकृति की भी क्वालिटी है वो मेरे ज्ञान दर्शन में हावी नहीं होगी, नहीं, पर वो बात पक्का हो जाएगी, मैं हूं मगर बार बार भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ, और छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता हूँ, और फिर राग द्वेष और कसाय हो जाते हैं, हो जाते हैं, और ऐसे नए कर्म भी बन जाते हैं, और वो नए कर्म बनेंगे तो जन्म के चक्कर में घूमना भी पड़ेगा। तो बार बार अभिषेक करते रहो, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, भले प्रकृति या मनोचन काय को जो कुछ भी करना है करें, मगर मैं वो नहीं, और इसको चलाने वाला भी मैं नहीं, उसके भुगतान करने वाला भी मैं नहीं, तो फिर मैं उस पर क्यों उलझ जाऊं। तो अभी से समझ में आया कि ये दृष्टि की बात है। स्वामी जी, जैसे हम अपने शुद्धात्मा पद पे रहते हैं तो कौन से गुण स्थान को छूते रहते हैं, और जब हम शुद्धात्मा से हटते हैं तो हम कौन से गुण स्थान को स्पर्श करते हैं? शुद्धात्मा पद में होते हैं तो कौन से चौथे गुण स्थान में होते हैं? अच्छा, और शुद्धात्मा में नहीं रहते हैं तो चौथे से नीचे उतरोगे, वो मिथ्यात्मा है, मिथ्यात्मा है। चौथे से सातवें पद तक डेवलपमेंट है, क्या है, डेवलपमेंट, हाँ, चौथे से सात तक डेवलपमेंट है, और सात से ग्यारह तक अनुभूति है, क्या है, अनुभूति। डेवलपमेंट का मतलब होता है हमने सब कुछ जान लिया, मगर जो जाना उसकी परिणति भी तो रहनी चाहिए ना, रहनी चाहिए, तो इसको कहते हैं अनुभूति। अगर वो अनुभूति में कम ज्यादा होगा तो सात से ग्यारह ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर चार से सात ऐसा है इसमें मिथ्यात्व भी चला सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, आप समझे। मगर सात में डेवलपमेंट पूरा हो गए तो आप चार से नीचे नहीं जा सकते, आप समझे। मगर चार सात आने के बाद सात से ग्यारह तक क्या है, अप डाउन, जागृति है, कभी रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी अनुभव, समझ तो आ गई मगर समझ रहना भी चाहिए ना, वो रहेगी भी नहीं रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, तो परिणति क्या होगी, ऊपर की होगी। मगर एक बार आपने 11 को क्रॉस कर दिया और 12 में चले गए तो फिर कम बैक कभी नहीं, कभी नहीं। फिर 12 के बाद 13 में केवल ज्ञान,
और 14 में निर्वाण। तो इस प्रकार की ये परंपरा। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता सह स्थिता अहमा दिश्च मध्यमता भूता नामंत एवजा। उसका पर्याय क्या? मतलब ये है कि मैं आत्मा सभी प्राणियों में बसा हुआ, ये उसका कहने का मतलब है। और मैं ही आदि हूं, मतलब प्रारंभ हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। तो क्या इसी आत्मा के संबंध में बोले हैं वो? उन्होंने ये कहा कि जहां जीव है वहां शिव है। जी क्या बताया? जहां जीव है वहीं शिव है। जहां प्रकृति है वहां परमात्मा है। जी जहां विनाशी है वहां अविनाशी है। जी आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि मैं बिगिनिंग में भी हूँ, मध्य में भी हूँ और एंड में भी हूँ। जी यानी बिगिनिंग का मतलब होता है मैं तो हूँ, मगर ये जीव के विकास की बिगिनिंग होती है और प्रगति होती है। क्या होती है? प्रगति होती है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। जी पंचेंद्रिय से फिर मनुष्य में आते हैं तो बुद्धि मिलती है, बाद में भी विकास का क्रम चालू रहता है। जी तो मैं बिगिनिंग में भी था, मध्य की हर अवस्था में हूँ और जब आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो परमात्मा बन जाता है, तब भी मैं हूँ। जी और ऐसा स्वरूप जो मेरे अंदर है बिगिनिंग मध्य अवस्था और एंड में, वैसा ही स्वरूप सभी जीवों के अंदर है। जी क्या बताया? सभी के अंदर है। इसी प्रकार का आत्मा है, अलग अलग प्रकार का नहीं है, मगर शरीर अलग अलग है सबका और शरीर के कर्म और कर्म के भुगतान अलग अलग है, मगर मैं अलग अलग नहीं हूँ, मैं एक ही प्रकार का सब में हूँ। जी मेरा प्रकार क्या है? एक ही प्रकार का। मैं एक नहीं हूँ, एक प्रकार का हूँ, सब में हूँ अलग अलग मगर एक प्रकार का। बॉडी अलग अलग है और अलग अलग प्रकार का बॉडी है, मगर मैं अलग अलग हूँ मगर एक प्रकार का हूँ। एक आत्मा और अनेक आत्माओं में कोई अंतर नहीं है, मगर दो शरीर में तो अंतर है ही। शरीर में अंतर है। समझ में आ गए? जी, जी। तो ये कहना चाहते हैं। जी अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं कोई कंफ्यूजन।